तो पता है आज ऐसे व्यक्ति का फोन आया जिसके लिए मैं ये सारे वीडियोस बना रहा था। अरे ऐसे फोन आया? और वो व्यक्ति मुझे सुबह से कॉल कर रहा था, मैंने फोन नहीं उठा रहा था। 7 बजे से, फिर 8, फिर 9, फिर 10 बजे मैंने फाइनली फोन उठाया। कैसे हो सम्राट? हो कितना अच्छा लग रहा है यार, बोल के खुशी भी मिलती है बोलने से। कल आखिरी टाइम तक लोगों को यही लग रहा था कि कोई चंदा घोटाला हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 20 तारीख से लेकर 28 तारीख तक हमने इस UPI पर फंड लिए थे। इसके अलावा आपने किसी और को दिए हैं तो वो हो सकता है घोटाला हो गया हो, उसके बारे में हमें पता नहीं। अरे बाहर रास्ते में से जा रहे थे, किसी को भूख लग रही होगी, बेटा को 10 रुपये दे दो, नहीं खाना खा लो आप, ऐसा करो। कौन आया भाई? कहाँ से आए? भूखा। नहीं नहीं, कहाँ से आए? मंदिर पर। सब्जी रोटी। देख सनी, तू पानी की बोतल लेके आया था ना, मैं तो पूरा खाना ले आया। आज तो मैं यहीं गाड़ी में लंच करने वाला हूँ। ये वो बुद्ध बिहार है, यहाँ से मैंने इस YouTube चैनल की शुरुआत की थी, तथागत गौतम बुद्ध बिहार। मास भूल गया था देना। कई लोग ये बोल रहे थे कि आपने टाइटल इतना अग्रेसिव क्यों रखा, चंदा घोटाला। अरे यार, मैं अगर नॉर्मली बोलता कि हाँ भाई आप फंड मत दो, तो क्या सब लोगों तक ये बात पहुंच पाती? नहीं पहुंच पाती यार। क्यों मजे ले रहे मेरे आजकल दोनों भाभी और ये मिलके? भाभी ने कल डरा दिया। कल सनी का फोन आया, मैं हंसता ही रहा। मेरी वाइफ भी डर रही थी, पता है, तुमने करवा दिया, मैं बुरी हो गई, मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी दीदी, ऐसा वैसा। मैंने बोला था वीडियो में मजाक कर रहे हैं। कल हमको है ना 2000 रुपये वो बुद्धा इवेंट वाले जी ने दिए थे। तो हमारे एक सब्सक्राइबर है राकेश कुमार उत्तराखंड से, उन्होंने 5000 रुपये दिए थे हमको, तो टोटल कितने हो गए? 7000 रुपये। 14 पैकेट ले। 14 पैकेट। हाँ राकेश जी, मैं अंजुल बमरौलिया बोल रहा हूँ। अरे अंजुल जी, क्या हाल है? बस बढ़िया हूँ मैं। वही आज आपके पैसों से हम लोग राशन लेने जा रहे हैं। तो पता है आज ऐसे व्यक्ति का फोन आया जिसके लिए मैं ये सारे वीडियोस बना रहा था। अरे ऐसे फोन आया? और वो व्यक्ति मुझे सुबह से कॉल कर रहा था, मैंने फोन नहीं उठा रहा था। 7 बजे से, फिर 8, फिर 9, फिर 10 बजे मैंने फाइनली फोन उठाया। कैसे फोन आया ये मैं नहीं जानता। अंजुल भैया और ये भाई साहब, मैं कोई समझ नहीं सकता, मैं इतने साल हो गए। इनकी क्या मतलब रहता है ये, तो भैया यही जाना है। भाई साहब समझ नहीं पाया अभी तक ये है क्या चीज़। तो मैं बताता हूँ कि ये कौन है जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। सर मैं बहुत दिन से आपसे बात करना चाह रहा था। कितने साल के हो? 14 साल का हूँ सर। मैं किसको लगाया फोन मालूम है? ये सर आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं यार आप? सर नहीं, अंजुल भाई। हाँ अंजुल भाई। हाँ मैंने आपकी यूट्यूब पर वीडियो देखी थी, एक वो पेपर में नाम आया आपका, उस पे नंबर डल रहे तो मैंने ढूंढ के लगाया है। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। पढ़ते हो? हाँ पढ़ता हूँ सर। कौन सी क्लास में हो? 7वीं में। मऊ गए हो वहाँ? मऊ तो नहीं गया, जाना एक बार मऊ जब लॉकडाउन खुल जाए तो। बहुत मेहनत से ढूंढा है मैंने नंबर आपका। कई लोग ऐसा लग रहा होगा यार बच्चे नहीं तो कॉल किया, कौन सी बड़ी बात हो गई? बहुत बड़ी बात। मैं ये ब्लॉगिंग जो है ना इन बच्चों के लिए ही स्टार्ट की है मैंने। अब ये बच्चा किसी के भाषण सुनता होगा, किसी के भी भाषण सुनता होगा, नहीं सुनता होगा, लेकिन बाबा साहब से रिलेटेड वीडियोज बनाते हैं, उनकी शिक्षाएं ये बच्चों तक पहुँच रही है यार। सही बात है। और यही मेरा मकसद था ये ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का, कि जो छोटे बच्चे हैं ना उन तक हमारी वीडियो पहुंचे, और आज वो मेहनत मेरी सफल हो गई यार।
क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के? अरे तो दूर दूर बैठो ना, नकाब वकाब लगाओ और दूर बैठ जाओ, पुलिस वाले आएंगे डंडे बजा जाएंगे, क्या फायदा? चलो सामने रखो। तो हम लोग हचीरा आए हुए हैं और यहाँ पे एक्चुअली मैं हमारे एक नंबर डिस्प्ले किया था, उससे फ़ोन आया था। हाँ। तो अगर आप ग्वालियर में हो, आपको सच में राशन की ज़रूरत है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। कल जो हमने नाम सजेस्ट किया था सम्राटो, बहुत लोगों को पसंद आया। देखा कितने कमेंट आए, कितने सारे कमेंट आए यार, मतलब सच में ऐसा लगा कि आप लोगों को बहुत पसंद आया। कैसे हो सम्राटो? आगे बिजनेस प्लान की हम लोग जो सोच रहे थे ना, वो एक्चुअली हमने स्टार्ट कर दिया उसके ऊपर काम। और अभी थोड़ा सा लॉकडाउन खुल जाए, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत सारी मशीनें खरीदनी है। जिस तरह से हमारा जो काम, ये ज्यादा काम जो चल रहा है ना, लोगों को खाना बांटने का और सूखा राशन, वो 3 तारीख तक तो चलेगा ही चलेगा। और उसके बाद देखते हैं क्या हालचाल है। अगर लॉकडाउन खुल जाता है अच्छी तरीके से, तो हम अपना वाला काम भी स्टार्ट कर देंगे। वो काम ऐसा है ना कि वो आप लोगों को पसंद आएगा 101%। अगर नहीं आएगा तो हम प्लान चेंज कर देंगे। नहीं पसंद आएगा नहीं, अगर बाई चांस ऐसा लगा लोगों को, यार ये क्यों कर रहे हो, इसमें क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि वो उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत बेहतरीन पोटेंशियल है उसका। मार्केट भी ऑलरेडी है उस काम में, पोटेंशियल भी बहुत शानदार है और पैसे भी ठीक ठाक हैं। कम से कम 3-4 महीने के अंदर 10 लोगों को जोड़ना है। तो ऐसे लोगों को ढूंढना स्टार्ट कर दो जो सच में मेहनती हो, जो काम करना चाहते हो, जिनका काम नहीं हो, टैलेंटेड हो, पढ़े लिखे हो। तो उसके बाद बाकी के और भी प्लान्स हैं, ऐसा नहीं कि यही प्लान है, हम लोग और भी प्लान्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं पहले कोई तो स्टार्ट करें, मतलब बातें ही देते रहेंगे कि काम कब स्टार्ट करेंगे। तो एक छोटा प्लान स्टार्ट कर रहे हैं, उसके साइड बाय साइड और भी प्लान स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें बहुत बड़े रीच पे जाना है, मतलब 20-25 हज़ार लोगों तक पहुँचना है। मतलब ये पता है कि आप क्या करना चाह रहे हो, ठीक है, भाई ये नहीं पता कि 20-25 हज़ार या 7-8 हज़ार लोगों को कैसे रोजगार दोगे, वो तो भैया आप ही देखोगे। कर लेंगे नहीं कर लेंगे वो बात की बात है, सही बात है, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे, कोशिश जरूर करेंगे, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोरोना वाला आ गया, कोरोना वाला, कोरोना वाला, कोरोना वाला। ये कितने टेस्टी लग रहे हैं, बना ले कभी इनको। टेस्टी लग रहा है, खा लिया कल, पर लगे लगे क्या देगा, तोड़ ले उनको। टेस्टी कैसे होगा जी बताओ पहले। अरे देखने में मेरे फेवरेट हैं। फेवरेट हैं। फेवरेट नहीं है, गंदा सा बन जाएगा तो मुंह बनाओगे। अब गंदा बनाएगी तो गंदा ही बोलूंगा। अच्छा अच्छा बनेगा तो तारीफ नहीं करनी। 3, 4, 5, 6, 2, 8 हैं। मेरी वाइफ इतनी डरपोक है, एक बार मेरे पास एक कुत्ता था, उसके मुँह में सांप चला गया था। और मैं वहाँ चिल्ला रही है, जल्दी आओ, ब्रूजो ने सांप खा लिया। मैं दौड़ लगाता हुआ आया, मैंने उसके मुंह में हाथ डाला ब्रूजो के, पूरा ऐसा सांप बाहर निकाला, तब जाके बेचारा मेरा ब्रूजो बचा। भोपाल वाला भाई कमेंट करेगा सच बात क्या है, ठीक है। कॉर्पस 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 क्या कॉर्पस आई तब चुप रहो, ठीक है। ये जो घटना के बारे में अभी बताया ना, ये सच बात है लेकिन उल्टा हुआ था। मैं MBA के एग्ज़ाम दे रहा था कुछ सालों पहले की बात है। मेरे पास एक डॉग था ब्रूजो, जिसके पिंजड़े में लगभग एक हाथ बराबर का सांप घुस गया था। और मैंने देखा इतनी देर में, तो ब्रूजो उसके ऊपर आया, उसने उस सांप को खा लिया, उसके मुंह में चला गया। और मैं मतलब सन्न रह गया कि एकदम से मैं ऐसी सिचुएशन क्या कर सकता हूँ। मैंने आवाज़ लगाई, कॉर्पस ब्रूजो ने सांप खा लिया। ये अंदर से दौड़ लगाती हुई आई, इसने ब्रूजो के मुंह में हाथ डाला, सांप को पकड़ा और उल्टा खींच लिया। और मैं देखता रह गया, मतलब मैं भी ऐसे सन्न होके देख रहा था कॉर्पस को। अच्छा सांप खींच लिया इसने तो। गजब यार, बहुत हिम्मत वाली तो है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। कीप सपोर्टिंग।